दुनिया जहान में इस हफ्ते सऊदी अरब को लेकर क्या है उसके युवराज मोहम्मद बिन सलमान का सपना। स्वागत है आपका दुनिया जहान में, मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। दस मार्च 2022 को सऊदी अरब और ईरान के बीच दोबारा संबंध बहाल करने का समझौता हो गया। इस समझौते का असर केवल इन देशों पर ही नहीं बल्कि दुनिया की व्यवस्था पर भी पड़ेगा, और ये समझौता किसी पश्चिमी देश की मध्यस्थता से नहीं बल्कि चीन की मध्यस्थता से हुआ। दोनों देशों के बीच धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक मतभेद भी रहे हैं। जहां एक ओर सऊदी अरब में राजतंत्र है और जिसके पश्चिमी देशों के साथ नजदीकी संबंध हैं, वहीं ईरान थियोक्रेटिक देश है, यानी यहां धर्मतंत्र है और अमेरिका उसे दुश्मन देश के तौर पर देखता है। वहीं यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान ने रूस का साथ दिया है। साथ ही ईरान और सऊदी अरब के बीच क्षेत्र में वर्चस्व के लिए यमन में कई सालों से लड़ाई भी चलती रही है, मगर अब दोनों देशों के बीच एक दूसरे की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का सम्मान करने को लेकर समझौता हो गया। इसका श्रेय काफी हद तक सऊदी अरब के युवराज और युवा नेता मोहम्मद बिन सलमान को जाता है। उन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है। तो इस हफ्ते हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब को लेकर युवराज मोहम्मद बिन सलमान या MBS का क्या सपना है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट वन, कौन है MBS? जब सऊदी अरब के किंग सलमान ने 2015 में सत्ता संभाली तो उस वक्त उनका राजा बनना अनापेक्षित था, क्योंकि अपने 7 भाइयों में वो सबसे छोटे थे और उत्तराधिकार पर उनका दावा सबसे कमजोर था। मगर जब उन्होंने सत्ता संभाली तब से उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है। सऊदी अरब की गद्दी पर बैठते ही उनकी पहली जिम्मेदारी थी अपना युवराज या उत्तराधिकारी नियुक्त करना। उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी से जन्मे सबसे बड़े बेटे मोहम्मद बिन सलमान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और अब सऊदी अरब में MBS को ही सबसे बड़े निर्णयकर्ता के रूप में देखा जाता है। MBS 30 साल के हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट स्टीफन कैलिन, जो मध्य पूर्व में वॉल स्ट्रीट जर्नल के संवाददाता हैं, कहते हैं कि MBS के युवा होने का असर उनकी नेतृत्व शैली में भी दिखाई देता है। MBS comes off as he is very young. MBS मिलेनियल पीढ़ी के हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी और ट्रेंड से भली भांति परिचित हैं। सऊदी अरब की लगभग 70% आबादी जो 30 साल से कम की है, MBS अपने आप को उसके प्रतिनिधि की तरह देखते हैं और उसे आकर्षित करना और उसे ध्यान में रखते हुए फैसले करना चाहते हैं। अपनी प्रगतिशील छवि को ध्यान में रखते हुए MBS ने सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए एक योजना बनाई है। कच्चा तेल देश का मुख्य निर्यात है और वो अर्थव्यवस्था की इसी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। 2016 में उन्होंने एक महत्वाकांक्षी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका नाम है विजन 2030, जिसके तहत आर्थिक और सामाजिक उदारीकरण के लक्ष्य तय किए गए हैं। सऊदी अरब को औद्योगिक नजरिए से विकसित करने के लिए एक जरूरत है कि महिलाओं को श्रम और सार्वजनिक क्षेत्रों में शामिल किया जाए, जिसके लिए युवराज MBS ने महिलाओं संबंधी नियमों में ढील देने का फैसला किया। महिलाएं कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पहले भी पढ़ सकती थीं, लेकिन उनके नौकरी करने पर काफी नियंत्रण थे। सऊदी अरब के श्रम क्षेत्र में महिलाओं की तादाद लगभग 37% है। पहले उनके गाड़ी चलाने पर पाबंदी थी, इसलिए काम करने जाने के लिए उन्हें ड्राइवर की जरूरत पड़ती थी। अब यह पाबंदी हटा दी गई है और महिलाएं खुद गाड़ी चलाकर काम पर जा सकती हैं। जाहिर है कई सामाजिक परंपराओं को इन फैसलों ने दरकिनार कर दिया। MBS धार्मिक नेताओं या दूसरे क्षेत्र से इन फैसलों के विरोध को कुचलने के लिए तैयार थे, साथ ही देश के धनी और प्रभावशाली तबके पर भी अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे। नवंबर 2017 में उन्होंने देश के 200 से ज्यादा धनी और प्रभावशाली लोगों को राजधानी रियाद के रिट्ज कार्ल्टन होटल में नजरबंद कर लिया। इनमें से कई लोगों को पीटा गया और यातनाएं दी गईं, यहां तक कि ब्लैकमेल किया गया।
इस विवादास्पद कदम की दुनिया भर में आलोचना हुई, मगर देश पर एमबीएस की पकड़ और मजबूत हो गई। स्टीफन कैलन कहते हैं कि इस घटना से कुछ हफ्ते पहले एमबीएस ने अपने उस बड़े चचेरे भाई को सत्ता से बाहर कर दिया जो उत्तराधिकार की कतार में उनसे आगे थे। उन्होंने कई धार्मिक नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की और खुद को मिलने वाली हर संभव चुनौती को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उन्हें पश्चिमी देशों के साथ टकराव के रास्ते पर पहुंचा दिया। अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी दूतावास में सऊदी सरकार के आलोचक और पत्रकार जमाल खशोगजी की हत्या कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हत्या के लिए एमबीएस को जिम्मेदार ठहराया। उस वारदात ने उनकी प्रतिष्ठा पर गहरा असर डाला, साथ ही इसकी वजह से सऊदी अरब में मानवाधिकार उल्लंघनों के दूसरे मामलों पर भी दुनिया का ध्यान गया, जिन्हें पहले अनदेखा कर दिया जाता था और केवल वहां के सामाजिक परिवर्तनों पर बात होती थी। लेकिन अब वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रणों की ओर भी लोगों का ध्यान गया। बात इस मामले पर भी होने लगी कि सऊदी अरब में अधिक आजादी की मांग करने वाली महिलाओं को कड़ी सजाएं दी जाती हैं। पिछले साल मार्च में एक ही दिन में 81 लोगों को आतंकवादी घोषित करते हुए बिना मुकदमे के मौत की सजा दे दी गई। पश्चिमी देशों ने इस पर गौर किया और विश्व फुटबॉल संघ यानी फीफा ने 2023 में महिला वर्ल्ड कप के लिए सऊदी अरब पर्यटन प्रशासन के प्रायोजन को रद्द कर दिया। क्या ये घटनाएं एमबीएस के आर्थिक उदारीकरण के एजेंडे को प्रभावित कर सकती हैं? जानेंगे अपने दूसरे एक्सपर्ट से। पार्ट टू, तरल सोना। सऊदी अरब के इतिहास का सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ 1938 में आया, जब वहां तेल भंडारों की खोज हुई। इस खोज ने आने वाले दशकों में देश का भविष्य तय किया। हमारे दूसरे एक्सपर्ट बिल फेरन प्राइस, जो तेल ऊर्जा बाजार के विश्लेषक हैं, इस पर ज्यादा रोशनी डालते हैं। Over time it became clear that the kingdom had... कालांतर में यह साबित हो गया कि सऊदी अरब में तेल के विशाल भंडार हैं। दूसरे महायुद्ध के बाद ये भी साफ हो गया था कि तेल ही पश्चिमी देशों के औद्योगिकीकरण का ईंधन होगा। इस तरह विश्व की अर्थव्यवस्था में इस जरूरत को पूरा करने वाले देश के रूप में सऊदी अरब की खास जगह बन गई थी। 1970 और 1980 के दशक में तेल निर्यात से होने वाली आमदनी के चलते सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। आज देश की राष्ट्रीय तेल निर्माण कंपनी सऊदी आरामको दुनिया की सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब ने एक अत्यंत व्यवसायिक तरीके से काम करने वाली सऊदी आरामको कंपनी बनाई, जिसके पास यहां तेल उत्पादन विकास का एकाधिकार है। ये देश में रोजगार देने वाली बड़ी कंपनियों में शामिल है और तेल से होने वाले मुनाफे को इस कंपनी ने क्षेत्रों के विकास पर भी लगाया है। सऊदी अरब तेल उत्पादक देशों के गुट ओपेक का संस्थापक सदस्य होने के नाते अब क्षेत्र ही नहीं बल्कि विश्व की राजनीति में बड़ा असर रखता है। Saudi Arabia has always played a leading role. सऊदी अरब ने हमेशा ही दुनिया में बड़ी भूमिका निभाई है और वर्तमान समय में वो ये काम और भी प्रभावशाली तरीके से कर रहा है। दुनिया के कुल तेल भंडार का 10% हिस्सा केवल सऊदी अरब में मिलता है, जिसके चलते तेल के सबसे बड़े ग्राहकों यानी पश्चिमी देशों से उसने मजबूत संबंध बना लिए हैं। लेकिन हाल के वक्त में उसने पूर्वी देशों की ओर रुख किया है, जहां वो चीन में बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट लगा रहा है। ये सऊदी अरब और उसके पश्चिमी सहयोगियों के बीच संबंध में बदलाव का संकेत है। हम कह सकते हैं कि 20 साल पहले सऊदी अरब और अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच संबंध जितने घने थे उतने अब नहीं रहे हैं। दशकों से एक दूसरे से लड़ रहे सऊदी अरब और ईरान के बीच हुआ ऐतिहासिक कूटनीतिक समझौता, जिसे बीजिंग में अंजाम दिया गया, इसी का एक सबूत है। बिल फेरन प्राइस कहते हैं कि इससे न सिर्फ चीन की महत्वाकांक्षाओं का संकेत मिलता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि अब ये तेल उत्पादक देश दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय ही नहीं बल्कि बहुपक्षीय व्यापारिक संबंध कायम करेंगे, जो कि एक बड़ा बदलाव है। यही नहीं, एमबीएस ने सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को विकसित करना भी शुरू कर दिया है। पार्ट थ्री, विजन 2030।
MBS के विजन 2030 योजना के बारे में हमने बात की अपनी तीसरी एक्सपर्ट सनम वकील से, जो चैटहम हाउस की उपाध्यक्ष हैं और मध्य पूर्व मामलों की विशेषज्ञ भी। Well, Vision 2030 was announced in 2016 and 2017. Vision 2030 की घोषणा 2016-17 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की तेल निर्यात पर निर्भरता को कम करके उसमें विविधता लाना है, दूसरे उद्योगों को विकसित करना, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना और निजी उद्योगों को बढ़ावा देना है, ताकि वो देश में अधिक रोजगार पैदा कर सकें और सरकार पर से ये बोझ कम हो। मगर ये जितना सीधा और तार्किक लगता है उससे कहीं अधिक पेचीदा है। Some of the challenges are that the state can't... ये एक चुनौतीपूर्ण काम है। सरकार अचानक अर्थव्यवस्था में विविधता नहीं ला सकती, उसके पहले उसे कई और कदम उठाने होंगे। विदेशी निवेश आकर्षित करना होगा, लोगों में उद्योग के प्रति रुझान विकसित करना पड़ेगा, इन सब के लिए देश में उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाना पड़ेगा, नियामक कानूनों में बदलाव लाने होंगे। ये सभी कुछ विजन 2030 का हिस्सा है। विजन 2030 के तहत एक अत्याधुनिक शहर नियॉन सिटी बनाने की भी योजना है, जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। सनम वकील कहती है कि नियॉन सिटी MBS का आइडिया है और इस विशाल शहर में 2045 तक 90 लाख लोगों को बसाने का प्रावधान होगा। नियॉन सिटी MBS का सपना है, ये एक ऐसा शहर होगा जिसमें वो चीजें होंगी जिसके बारे में आप सपने में ही सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पर उड़ने वाली कारें, अत्याधुनिक सुविधाएं, फ्यूचरिस्टिक इमारतें। रेगिस्तान में ये एक अनूठा शहर होगा। मगर वाकई में ये इस तरह बन पाएगा या सिर्फ एक ख्याली ख्वाब बनकर रह जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। सऊदी अरब और क्षेत्र के दूसरे देशों में इस तरह के नए शहरों की योजनाएं बनी हैं, लेकिन उस तरह के शहर नहीं बन पाए हैं। एक तरह से देखा जाए तो नियॉन सिटी विजन 2030 का ही नक्शा है। इसे मानवीय सभ्यता में एक क्रांति की तरह पेश किया जा रहा है, जहां सबसे बड़ी प्राथमिकता लोग होंगे, मगर इसके निर्माण की वजह से विस्थापित हो रहे लोगों को प्राथमिकता तो दूर, उनके विरोध के कारण मौत की सजा तक सुनाई जा रही है। इस तरह की घटनाओं और देश के मानवाधिकार के रिकॉर्ड की वजह से इस परियोजना के लिए विदेशी निवेश में दिक्कतें आ रही हैं। पर दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए सऊदी अरब दूसरे कदम उठा रहा है। ब्रिटेन का न्यूकासल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब अब सऊदी अरब के हाथों में है। चर्चाएं ये भी गर्म है कि अब सऊदी अरब की निगाहें $20 अरब की Formula 1 कार रेसिंग पर भी है। सनम वकील कहती हैं कि सऊदी अरब की सत्ता पर MBS की दावेदारी इन परिवर्तनों की सफलता पर भी निर्भर करती है। पार्ट 4, विश्व मंच। एक बार फिर से लौटते हैं सऊदी अरब और ईरान के बीच हुए कूटनीतिक समझौते की ओर, ये समझने के लिए कि इस समझौते की सऊदी अरब की भविष्य की योजना में क्या भूमिका हो सकती है। इस बारे में हमने बात की अपनी चौथी एक्सपर्ट दीना अफसंदियारी से, जो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की मध्य पूर्व मामलों की वरिष्ठ सलाहकार है। This deal has the potential to be really, really significant. यह समझौता मध्य पूर्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दशकों तक इस क्षेत्र में ईरान और सऊदी अरब परस्पर प्रतिस्पर्धी रहे हैं। पहले भी कूटनीतिक संबंध बहाली के प्रयास हुए हैं और दोनों के बीच फिर तनाव पैदा हो गया था, तो हमें कुछ महीनों तक देखना होगा कि क्या होता है। मगर पश्चिमी देशों के लिए चिंता का एक कारण ये है कि ये समझौता चीन ने करवाया है, दूसरा चीन के पश्चिमी देशों के साथ संबंध खराब तो थे ही, पर यूक्रेन युद्ध में वो रूस की मदद कर रहा है। For Riyadh, it's particularly significant to show सऊदी अरब का चीन के साथ घनिष्ठता दिखाना, वह भी तब जब अमेरिका के साथ उसके संबंध उतार चढ़ावों से गुजर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब अमेरिका से सुरक्षा के बेहतर आश्वासन चाहता है, मगर साथ ही स्वतंत्र विदेश नीति भी बनाना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं दिखता। ऐसे में सऊदी अरब दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है और इस नज़र से चीन उसके लिए महत्वपूर्ण है। अब लौटते हैं अपने सवाल पर कि सऊदी अरब के लिए MBS की योजना क्या है। वो देश की अर्थव्यवस्था की तेल निर्यात पर आत्मनिर्भरता को कम करके उसमें विविधता लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें समाज का उदारीकरण करना होगा, निजी क्षेत्र को विकसित करना होगा, ईरान के साथ महंगे संघर्षों को टालना होगा। This deal really does fit within ईरान के साथ समझौता MBS की योजनाओं से मेल खाता है।
वो एक प्रभावशाली और स्वतंत्र नेता दिखाई देना चाहते हैं और सऊदी अरब को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, और इसके लिए वो कई देशों के साथ संतुलित संबंध कायम करना चाहते हैं। वो यह चतुराई से कर रहे हैं। साथ ही MBS सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपने विरोधियों को कुचल रहे हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों में नाराजगी है, और यही वजह है कि वो अब पूर्वी देशों, खासतौर पर चीन की ओर रुख कर रहे हैं। पर इस घटनाक्रम को इसराइल, जो मध्य पूर्व में एक बड़ी ताकत है, कैसे देखेगा, इस पर भी MBS की योजना काफी हद तक निर्भर होगी।